गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय सेल्फ आसिफ खान। अपन ने पिछली क्लास के अंदर सदिश राशि और अदिश राशियों के बारे में पढ़ा था कि अदिश राशियां किसे कहते हैं और सदिश राशियां किसे कहते हैं। इनकी परिभाषाओं के बारे में भी लिख लिया था अपने, इनकी सारी परिभाषाएं देख ली थी, दो परिभाषाएं लिखी थी, इनके कई सारे एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताए थे कि सदिश राशियों के एग्जाम्पल कौन से होते हैं और अदिश राशियों के एग्जाम्पल कौन से होते हैं, इसके बारे में अपन ने काफ़ी डिटेल से पढ़ लिया। अब इसके बाद जो अपन ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था सदिशों का निरूपण, वो भी उसके बारे में पढ़ लिया था कि सदिश को अपन किस तरीके से दर्शाते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है सदिशों के प्रकार, कि सदिशों के कितने प्रकार होते हैं। सदिशों के प्रकार, तो सदिश जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। सदिश जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है ध्रुवीय सदिश, ठीक है। इससे पहले वाली क्लास के अंदर अपने पढ़ा था कि सदिश राशियां किसे कहते हैं, वैसे राशियां जिनको दर्शाने के लिए, पूर्णते व्यक्त करने के लिए अपन को परिमाण और मात्रक के साथ साथ, वो परिमाण और मात्रा के साथ साथ उसकी दिशा की आवश्यकता होती है, वो के लगनी है सदिश राशियों। और सदिश राशियों के प्रकार के अंदर अपन पढ़ रहे हैं कि सदिश राशियां जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। पहली हो गई हमारा ध्रुवीय सदिश। ध्रुवीय सदिश अपन किसे बोलेंगे? अगर कोई कण है, मान लीजिए अगर कोई कण है यहाँ पर, ठीक है, तो कण की दिशा जिस दिशा में है उसी दिशा में अगर सदिश की दिशा भी हो तो ऐसा सदिश कहलाता है ध्रुवीय सदिश। वह सदिश जिसकी दिशा कण की गति की दिशा में हो ध्रुवीय सदिश कहलाता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? वह सदिश जिसकी दिशा कण की गति की दिशा में हो ध्रुवीय सदिश कहलाता है। ठीक है, वह सदिश अपन पढ़ने सदिशों के बारे में, अदिश राशियों के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। फिलहाल सदिशों के बारे में पढ़ना है कि सदिश राशियां किसे कहते हैं। सदिश राशियों का जो प्रकार है ध्रुवीय सदिश क्या है? वह सदिश जिसकी दिशा, क्योंकि सदिश राशियां जो होती है उनके अंदर दिशा होती है, अगर सदिश की दिशा कण की गति, जिस दिशा में कण गति कर रहा है उसी दिशा में सदिश की दिशा भी हो तो वह सदिश क्या कहलाता है? ध्रुवीय सदिश कहलाता है। ध्रुवीय सदिश के अंदर जो होते हैं इसके एग्जाम्पल होते हैं विस्थापन। अगर अपन इसके एग्जाम्पल देखें, विस्थापन, कोमा, बल, वेग इत्यादि, अर्थात जो कण रेखीय गति से रिलेटेड होगा, जिसका संबंध रेखीय गति से होगा वह सदिश जो है वो ध्रुवीय सदिश कहलाएंगे। ध्रुवीय सदिश की परिभाषा एक बार और देख लीजिए कि वह सदिश जिसकी दिशा कण की गति की दिशा में हो ध्रुवीय सदिश कहलाता है। और ध्रुवीय सदिश के अपन ने एग्जाम्पल भी देख लिए, ध्रुवीय सदिश का एग्जाम्पल कौन सा हो गया? विस्थापन, बल, वेग इत्यादि, त्वरण, अर्थात जो सदिश रेखीय गति से संबंधित होते हैं वह सदिश जो है ध्रुवीय सदिश के अंदर आते हैं, ठीक। इसके बाद जो दूसरा सदिश होता है वो होता है अक्षीय सदिश। अक्षीय सदिश अपन किसे बोलेंगे? अक्षीय सदिश अपन बोलेंगे जैसे यहां पर ये कोई अक्ष है और कण जो है वो इस तरीके से गति कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से कोई कण है गति कर रहा है अपने पथ पर, जैसे पंखा, पंखे का बीच में जो अक्ष होती है उसके चारों पंखड़ी घूमती रहती है, इस तरीके से यहाँ पर कोई एक अक्ष है और उसके चारों ओर कोई कण इस तरीके से घूर्णन गति कर रहा है। तब क्या होगा? अगर किसी सदिश की जो दिशा है उस कण की घूर्णन अक्ष की दिशा में, ये कोई कण है, ये कण जो है वो इस पथ पर गति कर रहा है, इस पथ पर गति कर रहा है, तो ये जो रेखा बनाई है ये क्या होगा? इसकी घूर्णन अक्ष है। ये जो रेखा है ये क्या होगा? इसकी घूर्णन अक्ष। अगर इसका जो सदिश है उसकी दिशा भी घूर्णन अक्ष की दिशा में हो
तो ये सदिश क्या कहलाता है? अक्षीय सदिश कहलाएगा। अर्थात यदि किसी कण के सदिश की अर्थात किसी सदिश की दिशा जो है वो घूर्णन अक्ष की दिशा में हो, यहां पर ये कोई कण है, ये वृत्ताकार पथ पर गमन कर रहा है, ये इस कण का जो है केंद्र हो गया, इस केंद्र से गुजरने वाली ये जो रेखा होती है ये क्या कहलाती है? घूर्णन अक्ष। अगर सदिश की दिशा इस घूर्णन अक्ष की दिशा में हो तो ऐसा सदिश क्या कहलाता है? अक्षीय सदिश कहलाता है। ये अपना दूसरा प्रकार हो गया। दो प्रकार के होते हैं सदिश, यहाँ पर एक तो है ध्रुवीय सदिश और एक है अक्षीय सदिश। इसकी परिभाषा अगर अपन समझे तो देखो, इसको डायग्राम में डालता हूँ, इसकी परिभाषा भी लिख देते हैं। वह सदिश जिसकी दिशा घूर्णन अक्ष की दिशा में हो, अक्षीय सदिश कहलाता है। तो ये इसकी परिभाषा हो गई, अक्षीय सदिश की परिभाषा। अक्षीय सदिश की परिभाषा क्या है? वह सदिश जिसकी दिशा, सदिश की दिशा है क्योंकि सदिश राशि है तो उसकी दिशा होगी, जिसकी दिशा कहां पर हो? घूर्णन अक्ष की दिशा में हो, जहां पर घूर्णन अक्ष हो उसकी दिशा में हो तो वह सदिश कहलाता है, वह सदिश कहलाता है अक्षीय सदिश के। ठीक है, अक्षीय सदिश के अंदर जितने भी ये जो अक्षीय सदिश होते हैं वो घूर्णन प्रकृति से रिलेटेड होते हैं। यहाँ पर ये ध्रुवीय सदिश जो होते हैं वो रेखीय गति से संबंधित है, ये अक्षीय सदिश घूर्णन गति से संबंधित होते हैं। अगर कोई कण घूम रहा है तो उससे संबंधित जो सदिश होगा वो क्या कहलाता है? अक्षीय सदिश कहलाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल अगर अपन बात करें, कोणीय संवेग, और भी इसके एग्जांपल हैं बहुत सारे, वो अपन जैसे जैसे टॉपिक पढ़ते जाएंगे उसके बारे में अपन उनको पढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर फिलहाल बलागुण, और ये बलागुण क्या होता है और कोणीय संवेग क्या होता है, इनके बारे में अपन का पूरे टॉपिक है, पूरे लेसन है, इस लेसन के अंदर अपन अच्छी तरीके से इनके एग्जाम्पल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अभी तो फिलहाल आपको यहाँ पर याद रखना है, अगर कोई कण रेखीय गति से संबंधित है, अगर कोई रेखा में गमन कर रहा है तो उससे संबंधित जो सदिश होगा वो तो कहलाएगा ध्रुवीय सदिश। और यहाँ पर अक्षीय सदिश होता है वो घूर्णन गति से रिलेटेड होता है, कोई कण वृत्ताकार पथ पर घूर्णन करता है तो उससे संबंधित जो भी सदिश होते हैं वो अक्षीय सदिश कहलाते हैं। इनकी परिभाषा भी कुछ इस तरीके से है, वह सदिश जिसकी दिशा कण की गति की दिशा में हो वो तो ध्रुवीय सदिश कहलाएगा। ठीक है, इसके एग्जांपल भी आ गए। अक्षीय सदिश की परिभाषा क्या है? वह सदिश जिसकी दिशा घूर्णन अक्ष की दिशा में हो अक्षीय सदिश कहलाता है। ये दो प्रकार हैं सदिशों के प्रकार। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो देखिए, सदिश का मापांक। तो जो अगला टॉपिक है वो है सदिश का मापांक। सदिश का मापांक जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसकी परिभाषा तो आपसे एग्जाम्पल पूछेगा लेकिन ये चीज काफी बार बार काम में आती रहती है, सदिश का मापांक किसे कहते हैं। तो देखिए, कोई सदिश है, ये ए वेक्टर, कोई भी सदिश हो सकता है, सदिश को अपन कैसे लिखते हैं? ए के ऊपर अपन क्या लगा देते हैं? वेक्टर, इस तरीके से। तो इस सदिश के परिमाण को व्यक्त करने वाली पॉजिटिव यानी धन संख्या को अपन इसका मापांक कहते हैं। कोई सदिश है और इसका परिमाण को अपन किस तरीके से लिखेंगे? जैसे ये कोई सदिश ए वेक्टर तो इसके परिमाण को लिखेंगे अपन ए से। ये कोई सदिश है ए वेक्टर और इसका परिमाण यानी इसका जो मापांक होगा उसको अपन कैसे लिखेंगे? ए से। अपन को ए कैपिटल एफ लिख सकते हैं या फिर अपन इसको लिख सकते हैं इस तरीके से मोड लगा ए वेक्टर। ठीक है, तो ये जो राशि है ये क्या बता रही है? सदिश का मापांक को बता रही है, या पर अपन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अगले एग्जांपल के तौर पे देखें, जैसे कोई सदिश है अपने पास बी वेक्टर, तो इसका जो परिमाण होगा या इसका जो मापांक होगा उसको अपन कैसे लिखेंगे? या तो लिखेंगे अपन बी से या फिर अपन इसको लिखेंगे बी वेक्टर से। ठीक है, अपन इसको इस तरीके से लिखते हैं। तो
अगर अपन इसकी परिभाषा को लिखें तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी सदिश, किसी सदिश ए वेक्टर के परिमाण को, परिमाण को व्यक्त करने वाली, करने वाली धन संख्या को, धन संख्या को सदिश ए वेक्टर का मापांक कहते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है अगर सदिश ए वेक्टर, ए वेक्टर ही कोई सदिश हो, बी वेक्टर भी हो सकता है, सी वेक्टर भी हो सकता है, अपनी मर्जी से यहां पर कोई भी, जैसे बल्कि अगर अपन बात करें बल्कि नहीं होता है एफ वेक्टर, तो यहां पर कोई भी सदिश है उसके परिमाण को व्यक्त करने वाली जो धन संख्या, धन का मतलब यहां पर पॉजिटिव है, पॉजिटिव संख्या को यहां पर पॉजिटिव में लेते हैं इसके परिमाण को, तो धन संख्या जो व्यक्त करेगी उसको अपन क्या बोलते हैं, उस सदिश का मापांक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपन ने यहां पर देखा कि ए वेक्टर है, ए स्टूडेंट्स अपना जो अगला टॉपिक है वो है सदिशों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जो सदिश राशियां होती हैं उनसे कुछ संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं वो अपन देखेंगे। तो अपना जो अगला टॉपिक है सदिशों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, तो इसमें कई सारी परिभाषाएं हैं के सदिशों से संबंधित कुछ कई सारी महत्वपूर्ण परिभाषाएं होती हैं, जिसके अंदर जो सबसे पहली परिभाषा आती है वो होती है तुल्य या समतुल्य सदिश। ठीक है, तो जो पहला पहली परिभाषा है वो कौन सी परिभाषा है, तुल्य, और तुल्य का दूसरा एक और नाम है समतुल्य सदिश। ठीक है, इसको अपन दो नामों से जानते हैं, तो एग्जाम के अंदर ही आ सकता है कि भाई तुल्य सदिश किसे कहते हैं, या ऐसे में सकता है समतुल्य सदिश किसे कहते हैं, तो इसके अंदर अपन को कंफ्यूज नहीं होना, दोनों सेम ही है। तो इसकी परिभाषा को समझने के लिए अपन एक डायग्राम बनाएंगे, एक ग्राफ बनाएंगे, उस ग्राफ से अपन को आसानी से समझ में आ जाएगा कि तुल्य सदिश किसे कहते हैं और समतुल्य सदिश किसे कहते हैं। आपने निर्देश तंत्र के बारे में पढ़ा होगा, ये निर्देश तंत्र अपन ने इससे पहली वाली कक्षाओं में, छोटी कक्षाओं के अंदर अपन ने ग्राफ बनाते थे, ग्राफ बनाते टाइम अपन इस तरीके से ग्राफ बनाते थे, यहाँ पर तो हो जाती थी एक्स अक्ष और ये हो जाता था वाई अक्ष। अब 11वीं क्लास से फिजिक्स में अपन जो पढ़ेंगे वो तीन अक्ष पढ़ेंगे, एक तो हो गई x, एक हो गई y और एक अक्ष और होती है, वो होती है z अक्ष। ठीक है, तीन अक्ष होती हैं, किसी को ये निर्देश तंत्र कहलाता है, निर्देश तंत्र में तीन अक्ष होती हैं x, y और z, ये त्रिविमीय निर्देश तंत्र कहलाता है। ठीक है, ये इसका मूल बिंदु हो गया, ये जो पॉइंट है यहां पर जहां पर x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष तीनों अक्ष जिस पॉइंट पर आंसर मिल रही है वो जो पॉइंट है उसको अपन बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक है, तो इस निर्देश तंत्र का मूल बिंदु कौन सा हो गया, ओ हो गया। अब अपन बात करते हैं तुल्य सदिश या समतुल्य सदिश अपन किसे कहेंगे, तो यहां पर मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, उस डायग्राम से आसानी से अपन को समझ में आ जाएगा कि तुल्य या समतुल्य सदिश किसे कहते हैं। अपन ने सदिशों के निरूपण के अंदर अपन ने पढ़ा था कि यहां पर एक सदिश बनाएंगे, उसी निरूपण के आधार पर यहां पर अपन ने एक सदिश बना दिया, ये सदिश अपन ने माना ए वेक्टर। ठीक है, ये इसकी जो लंबाई है, ये लंबाई सदिश के परिमाण को व्यक्त करती है। अपन ने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था सदिशों का निरूपण जो टॉपिक है, उस निरूपण वाले टॉपिक के अंदर अपन ने पढ़ा था कि जो सदिश की जो लंबाई होती है, ये जो सरल रेखा की जितनी ज्यादा लंबाई होगी सदिश का परिमाण उतना ही ज्यादा होगा। तो इसी के साथ यहाँ पर एक सदिश है ए वेक्टर, ए वेक्टर के साथ साथ यहाँ पर अपन ने एक वेक्टर, एक सदिश और ले लिया,
बी वेक्टर। ये सदिश है ए वेक्टर, ये वाला जो तीर है ये तो है ए वेक्टर, और ये वाला जो तीर है ये है बी वेक्टर। यहाँ पर इस डायग्राम को जब आप देख रहे हैं अच्छी तरीके से देख रहे हैं, पर अपन को आसानी से समझ में आ रहा है कि ये जो दोनों सदिश हैं इनकी दिशाएं समान हैं, दोनों की दिशाएं, दोनों ये जो एरो होता है सदिशों के निर्माण करने पड़ा था, ये जो एरो होता है ये सदिश की दिशा को व्यक्त करता है। तो डायग्राम से देखने से अपन को पता लग रहा है कि इन दोनों की दिशा समान है और इनका परिमाण यानी इनकी लंबाइयां भी देखने से अपन को बिल्कुल समान लग रही हैं। तो ऐसा सदिश जिनकी दिशाएं समान हो, जिनका परिमाण समान हो, वह सदिश क्या कहलाते हैं? तुल्य या समतुल्य सदिश। अर्थात ए वेक्टर तुल्य है किसके? बी वेक्टर के। ये दोनों सदिश एक दूसरे के तुल्य सदिश कहलाते हैं, ये दोनों सदिश एक दूसरे के तुल्य हैं। ठीक है, तो यहां पर अपन इसकी परिभाषा लिखें, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? जब दो सदिशों के परिमाण व दिशा दोनों समान हो तो वह तुल्य सदिश कहलाते हैं। ठीक है, तो जब दो या दो सदिशों के जब दो सदिशों के परिमाण व दिशा दोनों बराबर हो, इनके परिमाण भी समान है, डायग्राम से देखने से हमको पता लग रहा है इनकी लंबाइयां समान है, इनके परिमाण समान है, व दिशा दोनों के एरो गर्भन देख रहे हैं, दोनों के एरो बिल्कुल सेम दिशा के अंदर हैं, दोनों समान हो तो वह तुल्य सदिश कहलाते हैं। इस डायग्राम को इसके नीचे, इस परिभाषा के नीचे इस डायग्राम को भी बना लेना है। जब अपन डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम जैसे अपन देखेंगे तो ये परिभाषा अपने आप ही याद हो जाएगी। तो डायग्राम बनाना जरूरी है, एग्जाम में चाहे मत बनाओ आप, जरूरी नहीं है डायग्राम बनाए, परिभाषा भी लिख सकते हैं। लेकिन जब डायग्राम अपन नोट्स में बनाएंगे तो जब नोट्स में अपन डायग्राम को देखेंगे तो आसानी से परिभाषा अपन को समझ में आएगी। एग्जाम के अंदर अगर आप डायग्राम बनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, परिभाषा के साथ साथ डायग्राम भी बनाइए तो और ज्यादा बेहतर है। लेकिन अपन को नोट्स के अंदर तो इस परिभाषा के नीचे ये डायग्राम बनाना ही है, डायग्राम देखते ही अपन को ये परिभाषा समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये पहला हो गया तुल्य या समतुल्य सदिश। इसके बाद जो अगला आता है वो देखिए, दूसरा जो महत्वपूर्ण परिभाषा है वो है असमान सदिश। दूसरी महत्वपूर्ण परिभाषा है असमान सदिश। असमान सदिश की जो परिभाषा है वो तीन परिभाषाएं, और तीनों परिभाषाएं अपन को अच्छी तरीके से याद रखनी है। असमान सदिश की जो पहली परिभाषा है वो देखिए आप, पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा, डायग्राम से अपन परिभाषा आसानी से बना लेंगे। तो यहाँ पर डायग्राम है, वही निर्देश तंत्र है, एक्स वाई और जेड तीनों अक्ष परस्पर एक दूसरे के लंबवत होती हैं। यहाँ पर आपने एक सदिश लिया, देखिए इस तरीके से ये एक सदिश ले लिया मैंने, एक ये सदिश ले लिया मैंने ए वेक्टर, और मैंने यहाँ पर एक और सदिश लिया, देखिए आप यहाँ पर तो यहां पर मैंने दो सदिश लिया ए वेक्टर और बी वेक्टर। डायग्राम देखने से अपन को क्या पता लग रहा है? डायग्राम देखने से अपन को पता लग रहा है कि इनकी जो एरो है एक दिशा में, यानी कि इनकी दिशाएं तो समान है। डायग्राम से अपन को क्या पता लग रहा है? अपन को डायग्राम से आसानी से पता लग रहा है कि इन दोनों सदिशों की दिशाएं बिल्कुल समान है। लेकिन जब अपन देख रहे हैं इसकी लंबाई कम है और इसकी लंबाई ज्यादा है, यानी इन दोनों का परिमाण क्या है? बिल्कुल अलग अलग। तो अगर दो सदिश इस तरीके से हों कि जिनकी दिशाएं तो समान हो लेकिन जिनके परिमाण अलग अलग हो, तो अब इन दोनों सदिशों को अपन क्या बोलेंगे? इन दोनों सदिशों को बोलेंगे पर असमान सदिश। तो ये इसकी पहली परिभाषा हो गई। डायग्राम से अपन को परिभाषा आसानी से बना सकते हैं, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? जब
सदिशों की दिशा समान हो परंतु उनका परिमाण अलग अलग हो तो वह असमान सदिश कहलाते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या हो गई? जब दो सदिशों की दिशा समान हो, दोनों की दिशा समान है, डायग्राम से अपन को पता लग रहा है समान हो परंतु उनका परिमाण अलग अलग हो तो वह असमान सदिश कहलाते हैं। ये इसकी पहली परिभाषा हो गई, अपन को याद रखना है पहली परिभाषा। अब इसकी दूसरी परिभाषा अगर अपन देखें तो इसकी दूसरी परिभाषा वो देगी इसी डायग्राम के अंदर। इसी डायग्राम के अंदर कुछ इस तरीके से चेंजेस कर देता हूँ, आपको डायग्राम बनाना है इसके इस परिभाषा के नीचे वो डायग्राम बनाना था। अब अगली परिभाषा है, सेकंड परिभाषा अपन पढ़ रहे हैं, पहली तो कंप्लीट हो गई, देखिए दूसरी परिभाषा के अंदर क्या है। दूसरी परिभाषा इसकी क्या होगी, डायग्राम से देखने से हमको पता लग रहा है कि इनकी दिशाएं तो बिल्कुल अलग अलग है। ये तो कंफर्म है कि दोनों की दिशाएं क्या हो गई, बिल्कुल अलग अलग। डायग्राम को देखने से आसानी से पता लगा है कि इन दोनों की दिशाएं क्या हैं, अलग अलग हैं, लेकिन इनका परिमाण समान है। इसकी लंबाई जितनी है उसकी लंबाई भी बिल्कुल, ए वेक्टर की जितनी लंबाई है बी वेक्टर की उतनी लंबाई है, अर्थात ए वेक्टर के और बी वेक्टर का परिमाण समान है। तो इसकी जो दूसरी परिभाषा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सदिश जिनकी दिशाएं अलग अलग हो परंतु जिनका परिमाण क्या हो, समान हो, वह सदिश क्या कहलाते हैं, असमान सदिश। ये दोनों सदिश भी क्या है, असमान है, क्योंकि इनकी दिशाएं क्या है, अलग अलग। परिमाण तो समान है परंतु दोनों की दिशाएं क्या है, अलग अलग। तो ये किस कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं, असमान सदिश की कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। तो इनकी जो परिभाषा है वो देखिए किस तरीके से कर सकते हैं, जब दो सदिशों की परिमाण समान हो परंतु उनकी दिशा अलग अलग हो, दिशाएं अलग अलग हो, तब वह असमान सदिश कहलाते हैं। तो इनकी परिभाषा क्या हो जाएगी, जब दो सदिशों का परिमाण समान हो परंतु उनकी दिशाएं अलग अलग हो तब वह क्या कहलाते हैं, असमान सदिश कहलाते हैं। तो ये असमान सदिश का डायग्राम है। इससे दूसरी परिभाषा के नीचे आपको ये वाला दूसरा वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो दो परिभाषाएं तो वही, तीन परिभाषाएं, तीसरी परिभाषा भी अपन देखेंगे। फिलहाल तो आप ये देखिए, दो सदिशों का परिमाण समान है, दोनों की दिशाएं अलग अलग है, ये कौन सा सदिश होगा, असमान सदिश होगा। तो इसकी तीसरी परिभाषा देखिए, तीसरी परिभाषा क्या होगी, तीसरी परिभाषा के अंदर वो अपने निर्देशक तंत्र ले लिया, x y और z तीनों अक्षों की जो है वो एक दूसरे के परस्पर लंबवत है। यहां पर एक सदिश ले लिया अपने इस तरीके से, ये हो गया a वेक्टर। ठीक है, अगर किसी सदिश को, किसी स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आ रहा हो कि ये लाइन कैसे बनती है, किस तरीके से, तो मैंने पहले बताया कि इससे पहले वाला जो लेक्चर है सदिशों का निरूपण, तो आप अच्छी तरीके से देख रहे हैं, वहां से आपको ये समझ में आ जाएगा कि सदिशों का निरूपण किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सदिश है, ये है ए वेक्टर, यहाँ पर मैंने एक और सदिश ले लिया बी वेक्टर। ठीक है, डायग्राम को देखने से आपको आसानी से ये पता लग रहा है, बिल्कुल देखने से ही पता लग रहा है कि इन दोनों की दिशाएं और परिमाण अलग अलग है। इसकी दिशा तो ऊपर की ओर है, इसकी दिशा इधर की ओर है, ये छोटी लंबाई का है, इसकी लंबाई बड़ी है, अर्थात ये दोनों की दिशाएं भी अलग अलग हैं और दोनों का परिमाण भी अलग अलग है। तो ये फिर कौन से सदिश के अंदर आ जाएंगे, ये असमान सदिश की कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे।
अर्थात वे सदिश जिनकी दिशाएं भी अलग अलग हो, जिनका परिमाण भी अलग अलग हो, तो असमान सदिश कहलाते हैं। ये तीसरी परिभाषा है इसकी। तो देखो इसकी तीसरी परिभाषा क्या हो जाएगी, जब दो सदिशों का परिमाण व दिशा दोनों अलग अलग हों, तब वह असमान सदिश कहलाती है। तो ये सदिश क्या कहलाएंगे, असमान सदिश कहलाएंगे। ये दो प्रकार के सदिश हो गए, पहले तो हो गया तुल्य या समतुल्य सदिश, ये हो गया। दूसरा जो हो गया असमान सदिश, असमान सदिश की तीन परिभाषाएं होती हैं, तीनों परिभाषाएं पढ़नी। इस परिभाषा के नीचे आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। जब आप डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम को जैसे ही आप देखेंगे तो परिभाषा अपने आप ही समझ में आ जाएगी। इसलिए डायग्राम बनाना जरूरी है आपकी नोट्स की कॉपी के अंदर। आप एग्जाम के अंदर भी डायग्राम बना सकते हैं। डायग्राम जब आप बनाएंगे तो आपका इंप्रेशन टीचर के ऊपर अच्छा पड़ेगा, उसको लगेगा कि आपको आता है। इसलिए डायग्राम जब बनाएंगे तो आसानी से आपको परिभाषा समझ में आने लग जाएगी। तो डायग्राम बनाना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद जो तीसरी परिभाषा होती है वो होती है विपरीत सदिश। दो परिभाषाएं तब तक अपन ने पढ़ ली। जो तीसरी परिभाषा है वो कौन सी परिभाषा है, वो है विपरीत सदिश। विपरीत सदिश अपन किसे बोलेंगे, देखिए वही डायग्राम मैं बनाता हूँ। पहले जैसे जो पहले बनाया था उस डायग्राम को देखने से अपन को दोबारा इसकी परिभाषा भी आसानी समझ में आएगी। देखिए यहाँ पर वही सदिश पर जो ग्राफ बनाते हैं निर्देश तंत्र एक्स वाई और जेड, ये x हो गया, ये y अक्ष हो गया और ये हो गई z अक्ष, ये इसका मूल बिंदु हो गया, ठीक है। यहां पर अपने एक सदिश ले लिया a वेक्टर, इसको ऐसा रखना नहीं कि ये मैं एरो इस तरीके से बना रहा हूं, तो आप भी ऐसे ऐसे बनाएं, इस तरीके से बना सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल रटना नहीं है। जैसे मैंने यहां पर बना दिया इस तरीके से बना सकते हैं, ये कोई सदिश ले लिया मैंने a वेक्टर, इस तरीके से बना देता हूं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। अपन हर बार ऐसे ऐसे बना रहे हैं तो फिर सबको लगता है कि शायद सदिश को अपन को ऐसे ही बनाना है, ऐसा नहीं बनाना, ऐसे बना सकते हैं इस तरह। तो यहाँ पर कोई एक सदिश है a वेक्टर, अब एक और सदिश लिया अपन ने b वेक्टर, इस तरीके से देखिए ये सदिश है a वेक्टर, ये सदिश है b वेक्टर। दोनों को देखने से अपन को क्या पता लग रहा है, दोनों को देखने से अपन को ये पता लग रहा है कि दोनों सदिशों की दिशाएं बिल्कुल अलग अलग हैं, बिल्कुल विपरीत, एक दूसरे के विपरीत हैं, जबकि इन दोनों का परिमाण समान है। तो ऐसे सदिश जिनकी दिशाएं परस्पर विपरीत हों परंतु उनका परिमाण समान हो, विपरीत सदिश कहलाते हैं। बात समझ में आ गई, बिल्कुल आसान परिभाषा है। डायग्राम जब बना देखोगे आप, डायग्राम को देख के आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पर इसकी परिभाषा मुझे लिखना है, जब दो सदिशों का परिमाण समान हो परंतु उनकी दिशाएं परस्पर विपरीत हों, तब वह विपरीत सदिश कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर अपन को इसके नीचे डायग्राम बनाना है।
तो विपरीत सदिश किसे बोलेंगे? जब दो सदिशों का परिमाण तो समान हो, डायग्राम को देखने से अपन को आसानी से पता लग रहा है कि दोनों का परिमाण समान है, दोनों की लंबाई समान है, इनका परिमाण समान है, परंतु इनकी दिशाएं परस्पर विपरीत हों, यानी बिल्कुल एक तो उधर जा रहा है एक इधर की ओर आ रही है, परस्पर विपरीत हों, तो ऐसे जो सदिश है वो क्या कहलाते हैं? विपरीत सदिश कहलाते हैं। ये इसका डायग्राम था।